मोदी के मन में एमपी है, लेकिन एमपी के मन में कौन है, कौन होगा शिवराज सिंह? शिवराज सिंह ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि अगली कमान किसको देनी है, किसको नहीं देनी, ये उनका निर्णय होता है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। पर मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से मोदी मैजिक को अपने हृदय में रख करके आशीर्वाद दिया है, लाडली बहनाओं ने आशीर्वाद दिया, हमारे संगठन की ताकत ने जिस प्रकार से, ये जीत का फैक्टर रहा लाडली बहना योजना? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी जन कल्याण की नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र की योजनाएं हों चाहे राज्य की योजना, उनका अपना फायदा मिला है। हाँ, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जीत का फैक्टर? एक वो बड़ी बात जो मध्य प्रदेश जो है वो कांग्रेस का सफाया होना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सफाया नहीं। एमपी गजब क्यों है? एमपी गजब इसलिए है कि शिवराज जी के कारण और मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने जो जनता जनार्दन के नीचे से नीचे व्यक्ति को जो है, जो दीनदयाल जी का जो संकल्प, संगठन को मजबूत किया। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जीत का श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन मध्य प्रदेश को, शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी नीति को और मोदी जी को। शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे? शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं हमारे, अब वही होंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं हमारे, नहीं अब भी वही होंगे, फिर अभी वर्तमान में शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 2024 में भी तो पुनः बनने वाले। एमपी के मन में शिवराज सिंह चौहान है, एमपी के मन में शिवराज जी भी है, एमपी के मन में मोदी जी भी है, एमपी के मन में भारतीय जनता पार्टी भी है। एक मुख्यमंत्री तो बनेगा ना? मुख्यमंत्री अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं अभी हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये मध्य प्रदेश की जो महिलाओं को एक विश्वास दिया है, महिलाओं का आशीर्वाद, माता बहनों का आशीर्वाद हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो माँ बहनों का आशीर्वाद ले लेगा वो हमेशा कभी दिक्कत में नहीं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ढिंडोरा पीटा। मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने ये बोला कि जब ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमें लगा हमारे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया, आज हमें लग रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों एक हो गए हैं। देखिए, ऐसा क्या बात कर रही हैं, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त उफान पर नजर आ रहा है, साथ में आसमान पर नजर आ रहा है और शायद इतने बड़े नंबर्स की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एमपी में नहीं की थी। 138 का ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनावों के जो रुझान है वो हमारे सामने है और अगर ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है देश की चार विधानसभाओं में, तो आज की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर आएगी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये अनुमान है लेकिन ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है जो इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29, लोकसभा का अनुमान बीजेपी के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, कांग्रेस के खाते में एक। 2024 का ट्रेंड अभी इसी वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो अनुमान है वो इस वक्त आपके सामने है, विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 और इस हिसाब से जो अभी मौजूदा तस्वीर बन रही है वो बीजेपी को 28 सीटें दे रही है। छत्तीसगढ़ का अनुमान क्या है, 2024 का ट्रेंड ये रहा आपके सामने, विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 11, लोकसभा का अनुमान इस हिसाब से यह है कि बीजेपी के खाते में जाएंगी 9 और कांग्रेस के खाते में जाएंगी 2 सीटें। तो ये 2024 का ट्रेंड भी हम साथ ही साथ आपको बताते जा रहे हैं। अब राजस्थान का जो आंकड़ा है वो हम चाहेंगे आपके सामने रखना। ये देखिए 2024 का ट्रेंड राजस्थान का क्या कह रहा है, विधानसभा की 199 सीटें जिसमें से अभी 110 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, लोकसभा की 25 सीटों का ट्रेंड देखिए, अनुमान ये है कि बीजेपी के खाते में 20 और कांग्रेस का मुमकिन है खाता भी ना खुले। शंभू सर, क्या लग रहा है जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जो ट्रेंड देखकर? विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव अलग होते हैं, इश्यूज अलग होते हैं, बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ट्रेंड आपको बता रहा है इतना रहेगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? देखिए, अगर विधानसभा को माने कि विधानसभा के हिसाब से ही लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, तो अभी राजस्थान में कांग्रेस को 0 बताई गई है, अदर्स को 5। अब सवाल ये होता है अदर्स कौन है, ये तो कांग्रेस ही होगी क्योंकि RLD को 1 सीट मिली है और तो कोई मिली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि या तो बीजेपी को पूरी 25 सीटें मिल जाएंगी जैसे पहले रहा है, या फिर
अगर कोई सीट बीजेपी लूज करती है तो कांग्रेस के खाते में जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में तो सारी सीटें हैं, एक सीट गड़बड़ा रही है। तो ये अगर 2018 में कांग्रेस की स्थिति इससे कहीं बेहतर थी, आज जो स्थिति है उससे बहुत बेहतर थी, तब तो लोकसभा सारी सीटें ले गई थी बीजेपी। तो आज की स्थिति में हम अभी क्यों मान चल रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी गड़बड़ा रही है? अगर यही स्थिति रही तो फिर इससे ये लग रहा है कि शायद या तो लोकसभा मोदी मैजिक काम करेगा और लोकसभा में वो सारी की सारी सीटें चली जाएंगी, या फिर यहाँ मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा बल्कि क्षेत्रीय क्षेत्रों का मैजिक काम कर रहा है। मेरा राजेश जी, लेकिन क्या आपको लगता है, मतलब 2024 का ट्रेंड अभी हमने सामने रखा, विधानसभा, चार विधानसभा की जो मौजूदा तस्वीर हमें अभी नजर आ रही है इन रुझानों में, उसके आधार पर 2024 पर इन चुनावों के नतीजे कितना असर डालते हुए आप देखते हैं? ये बात बहुत स्पष्ट है कि अभी जो नतीजे निकले हैं जी, इससे कांग्रेस को एक सेटबैक तो मिला है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चारों राज्यों में तेलंगाना इंक्लूडेड भारतीय जनता पार्टी का एज है, मतलब तीन में तो जीत ही चुकी है, तेलंगाना में भी 11 सीटों पे बढ़त, एक से 11 भारतीय जनता पार्टी, एक से 11 बढ़ना और शायद 13% या 14% उसको वोट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी जीत है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई कह रहे थे कि जहां पांव पसारती है बीजेपी वहां वो जम जाती है, ये तेलंगाना में भी यही होने वाला है, बंगाल में भी ये हुआ था। तो ये अब क्या होता है कि इस वक्त जो सक्सेस मिली है, अगर ये फर्ज कीजिए कांग्रेस को मिली होती और भारतीय जनता पार्टी हार गई होती, तब ये एनालिसिस होती कि नहीं, राज्यों का वोटिंग पैटर्न अलग होता है, सेंटर में तो मोदी जी हैं तो वहाँ तो वोटिंग पैटर्न अलग होगा। तो इसको भी अलहदा करके देखना चाहिए। एक वो क्लिक करने वाला फैक्टर 2024 में भारतीय जनता पार्टी निकाल के लेके आएगी अपने स्लीव से, वो जो डिसाइसिव फैक्टर हो जाएगा। पुष्पेश जी, लेकिन सवाल थोड़ा बड़ी पिक्चर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस हार गई, ये ठीक है, जो तीन राज्यों में देखने को मिल रहा है। एक और समीकरण देखने को और कहने को मिल रहा था कि अगर कांग्रेस इन तीन राज्यों में जीतती है तो उसका इम्पैक्ट 2024 में इंडिया गठबंधन पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या तस्वीर आपको दिख रही है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन तो बहुत पहले बराबर हो गया और उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अब आज हम ठीक रहा उसका कमलनाथ के सर पर फोड़ें, मगर जो तेवर राहुल गांधी के स्वयं रहते हैं, प्रियंका के रहते हैं, जो साथ गठबंधन में आना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नकार के खारिज करते हैं। नेता है तो सिर्फ एक है। ये जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस लग्जरी कैन ओनली बी अफोर्डेड बाई मोदी जी, कि नेता है तो एक है, मगर अगर राहुल ये मानकर मुगालता मन में पालते हैं कि वही एक नेता हैं जिनके पीछे देश का युवा, और अब तो खुद बहुत युवा भी नहीं रहे, उनके पीछे लग जाएगा, और वो आज तक परदेसी ही समझे जाते हैं। अब देखिए, दिक्कत ये है कि वो सोनिया गांधी जी की चित्र को दूध से नहलाया जा रहा था, तो ये लोग इतना अनभिज्ञ है हिंदुस्तान की परम्परा से कि जब डूब गया था अपने ननिहाल में तो उसको अस्पृश्य समझ कर जहाँ उसने खाया पिया था उस जमीन को दूध से नहलाया गया था, या तो दूध बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर चढ़ाया जाए, लिंग पर चढ़ाया जाता है। ये इस तरह की हरकतें करना जो होता है कि वो जो राजेश कुछ देर पहले आइडियोलॉजी की बात कह रहे थे, जो इस चर्चा में लगभग अछूती रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो मुट्ठी भर या उससे भी कम तथाकथित प्रगतिशील लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष अपने को मानते हैं, जनतांत्रिक अपने को मानते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, उनकी गिनती शायद इस देश में बहुत कम है। इस देश का जो युवक है उसको उस हिंदुत्व से कोई आपत्ति नहीं जिसको अब कांग्रेस भी अपना रही कि सॉफ्ट हिंदुत्व, और बुढ़ाते कमलनाथ भी हनुमान भक्त तत्काल बन गए हैं, एक बार तो राहुल अपने को जनेऊधारी भी कह चुके हैं, गोत्र भी अपना बतला चुके हैं। तो मुझे लगता है कि देश का युवा अब इस सब झांसे में आने से मुक्त है। वो जहां देखता है कि सरकार काम कर रही है, या अमित शाह जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, अब से 24 के बीच में कोई एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा हो, जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हो, उसके बाद सब सारा राष्ट्र एकजुट हो जाएगा। ठीक है।